हे एवरीबॉडी, मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट नेल एक्सटेंशन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी इतने चीप प्राइस में और इतना बेस्ट नेल एक्सटेंशन मुझे कहां से करवाने को मिला। सो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस भी दिखाऊंगी कि वो कैसे आपके नेल एक्सटेंशन करते हैं। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ से फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये पहले वाले जो नेल्स होते हैं आप उसे कट करते हैं, लेकिन मेरे नेल्स तो हैं ही नहीं, मैं तो बाइट कर करके खा रही हूँ उस अच्छे से। बट ये मेरा पहला स्टेप ये कर रहे हैं कि जो क्यूटिकल्स होते हैं उसे पुश कर रहे हैं जिससे नेल्स नेचुरल लगते हैं। देन नेल पफर की हेल्प से हमारे नेल्स इवन किए जाते हैं जिसे हमारे नेल्स नेचुरल लगे। और गाइस, ये थोड़ा ना पेनफुल भी रहता है, वो भी तब जब आपके नेल्स वीक हैं। अगर आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इवन। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्रेलिक नेल्स लिए जाते हैं, देन नेल साइज और शेप को चेक किया जाता है। लाइक वो प्रॉपर सिंगल फिंगर पर लगा कर देखते हैं, चेक करते हैं कि जैसे अगर बड़ा लग गया तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, फेक लगेगा थोड़ा। फिर ये नेल्स पेस्ट करते हैं सब एक साथ, और जो इसका है ना बहुत स्टिकी होता है, अगर एक बार लगता है तो जल्दी से निकलता नहीं है और ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है इन्हें। देन ये नेल्स कट करते हैं, लाइक जितना भी आपको अच्छे लगे हैं सूट करे उस अकॉर्डिंग ये रखते हैं। लेकिन यार नेल्स छोटे ही रखवाना, बड़े नेल्स से ना ही तो कोई काम होता है और बिल्कुल कंफर्टेबल से लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग छोटे नेल्स ही प्रेफर करना मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद दोबारा से कोई भी नेल छोटे या बड़े तो नहीं, उसके बाद ये अगेन एंड अगेन चेक करते हैं दोनों फिंगर्स के लिए नेचुरल लगने चाहिए और दोनों हैंड्स के प्रॉपर मैच करते हैं। ये देख लीजिए आप इसमें। वो प्रोसेस पूरा होने के बाद इन्हें अगेन बफिंग स्टार्ट करते हैं नेल्स को प्रॉपर, दोबारा सभी नेल्स को बफ करते हैं ये। उसके बाद ये एक ऑयल लगाते हैं, ये ऑयल थोड़ा प्रोटेक्ट करता है हमारे ओरिजिनल नेल्स को। आपको शेड कार्ड भी देते हैं अगर आपको लाइक कुछ उनमें से शेड देकर करवाना हो, या आप कुछ अपना शेड इन्हें दिखा सकते हैं कि हमें ऐसा कलर करवाना है कुछ भी, तो आपके सेम एज इट इज वैसे नेल्स कर देते हैं प्रॉपर, कुछ भी ग्लिटरी एंड ऑल ही आपको दिखा देंगे वहाँ पर। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ना बॉक्स में कि एक एक्रेलिक पाउडर है जो कि नेल्स पर लगाते हैं, जिसे फिनिशिंग आती है नेल्स पर, लाइक जेल टाइप ही होता है, उसको ब्रश की हेल्प से लगाया जाता है। ये करने से पहले ना प्रॉपर अंदर की साइड से ना इसे बफ कर दें, लाइक ये थोड़ा भी हार्श ना हो, बिकॉज ये बोलते तो वैसे भी आर्टिफिशियल नेल्स है इसीलिए। ये ना पाउडर होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब कि ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाता है। और ना इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक्रेलिक नेल्स को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। आप अभी देखना ये एक पाउडर है और ये जैसे ही नेल्स के ऊपर जाएगा ना एक बिल्कुल अलग सा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। और इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी फिनिशिंग अच्छी ना हो ना तो बिल्कुल फेक सा लगता है नेल। सो गाइस, ये वाला स्टेप होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो आप जब भी आओ ना तो 1 से 1.5 घंटा निकाल कर तो आप जाया ही करो नेल एक्सटेंशन करवाने, मैंने तो देख लिया। बट ये मेन पार्ट है नेल एक्सटेंशन का, क्योंकि अगर ये स्मूथ नहीं करेंगे तो बिल्कुल फेक नेल्स लगेंगे, ये बिल्कुल हार्ड कर देता है नेल्स जिससे थिक रहते हैं नेल।
और गाइज ये आपके ना ऑलमोस्ट 1 मंथ तो चल ही जाता है प्रॉपर, लाइक मेरे तो चल ही जाएंगे, मेरे नेल्स की ग्रोथ तो बहुत कम है। डिपेंड करता है कि आपकी नेल्स की ग्रोथ कैसी है, और अगर आपकी नेल ग्रोथ फास्ट है तो ये फास्ट मतलब कि एग्जैक्ट ये 3 वीक्स रह जाते हैं प्रॉपर। आपकी नेल्स की ग्रोथ अगर फास्ट है ज़्यादा ही, आफ्टर 2 वीक्स फिर आपको रिफिल करवाने आना पड़ता है, उसके भी चार्जेस अलग हैं। प्लीज़ गाइस इसे घर पर रिमूव करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड अपने अगर ट्राई किया रिमूव करने का तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है आपके लिए। तो गाइज आप जब भी आओ नेल एक्सटेंशन करवाने टाइम निकाल कर आना, क्योंकि अगर आपको वहाँ एक से ही करवाने हैं ना आपको एक्सटेंशन, तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब अगर 2 मेंबर करेंगे तो मतलब फिनिशिंग नहीं आता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। मैं आपको प्रेफर करूँगी जब भी आप करवाओ एक से ही करवाओ, तो जब भी आओ तो टाइम निकाल कर आओ, क्योंकि मिनिमम 1.5 आवर तो आपको लगना है। और यार मैं तो इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी ना, मैं इतना गौर से देख रही थी इनको कि वो कैसे कर रहे हैं कुछ, मेरे को तो नींद आने लगी थी वहाँ। ये वाला प्रोसेस मेरा डन होने ही वाला है, इसके बाद जो प्रोसेस है वो मेन प्रोसेस है कलरिंग का। और गाइस इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है नेल आर्ट में, कलर्स में, और आपको जो भी करवाना है, सो आप वहाँ पर तो ऑलमोस्ट कंफ्यूज ही हो जाओगे कि मतलब हम क्या करवाएं, कौन सा कलर करवाएं। तो आप जब भी जाओ तो अपना पहले से घर पर ही डिसाइड करके जाना कि आपको कौन सा कलर करवाना है, क्या पसंद है आपको, लाइट या डार्क। मैंने इनको ये वाला दिखाया था, सो इन्होंने बोला कि सेम हो जाएगा, और इन्होंने बिल्कुल सेम किया था, आप देखना वीडियो के एंड में। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं नेल पेंट लगाना है, ये फर्स्ट कोट लगा रहे हैं, देन ये सेकंड कोट भी लगाएंगे। वैसे सेकंड कोट के बाद ही रियल कलर सामने आता है, सो आप एक कोट लगवाने के बाद ही कभी भी अपना डन मत करवाना, आप सेकंड कोट जरूर लगवाना, देन उसके बाद आप फिनिशिंग देखना। और इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जब भी आप नेल आर्ट करवाओगे सो यू विल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जल्दी से नेल ड्राई कर देता है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा, मतलब बिल्कुल मुझे लगा नहीं था। इसके बाद जो ये कर रहे हैं प्रॉपर देखिए मेरा फाइनल लुक है मेरे नेल्स का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज।